कोई कितनी निंदा करे, कोई कितनी ही चैनल वाला बकवास करे। एक आदमी सिर पे पेटी रख कर जा रहा था, पेटी में छेद छेद थे, लोहे की पेटी थी, काफी छेद थे उसमें। किसी ने पूछा रास्ते में कि भाई साहब ये सिर पे पेटी रख कर कहाँ जा रहे हो, क्या है इस पेटी में? बोले नेवला है, नेवला। नेवला पेटी में और सिर पे रख कर जा रहे हो, क्यों? बोले मैं रात को जब सो जाता हूं ना तो मेरे को सपने में सांप बहुत दिखते हैं। तो बोले इसलिए नेवला लेकर जा रहा हूं ताकि सांप आएंगे तो नेवले को देखकर भाग जाएंगे। अरे बोले तू आखिर शराबी पक्का निकला, सपने में दिखते हैं सांप और पेटी में ले जा रहा है नेवला, तेरा दिमाग ठीक है? जब सांप सच्चे नहीं है, सपने के हैं, तो नेवला सचमुच में क्यों ले जा रहा है पेटी में? बोले वो तो तू बोल रहा है ना, पेटी में नेवला नहीं, नेवला भी नाम का ही है। नेवला कौन सा मैं सचमुच में ले जा रहा हूं? अब देखो जो निंदा करने वाले हैं ना वो भी ऐसे ही है, कोई सांप है नहीं पर वो बेवकूफ देख रहे हैं जैसे वो देख रहा था। कोई साजिश है नहीं, कोई काला जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, है नहीं पर देख रहे हैं। क्यों? कि मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं। नशे में है, नशे में है। कौन सा नशा है? अज्ञान और अविद्या का नशा है। जैसे उसको शराब के नशे में सपने में सांप दिखते थे, ऐसे इनको अविद्या का नशा ऐसा चढ़ा है कि तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है। लगता है काला जादू तू ही ज्यादा जानता है, हमको तो पता ही नहीं काला जादू मींस क्या। तू जानता है इसलिए बोल रहा है। और फिर जैसे वो नेवला भी झूठा ले जा रहा था, था नहीं, ऐसे ही ये लोग गवाह भी झूठे तैयार करते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए अब इसी से सुनिए, मेरे से सुनना जरा, कभी मेरे आगे तेरा कैमरा रख और माइक रख, फिर देख मैं कान में से धुएं ना निकाल दूं तो कहना। एक आदमी सुनो, बात तो पूरी सुनो साहब, मेरी बात सुनो बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी रात को घर पे सोता ना तो मोबाइल चार्ज में लगा रहा था, रात को लगा देते हैं कई लोग, लगा रहा था। पत्नी ने कहा पतिदेव आजकल ना बहुत ऐसे केस हो रहे हैं, मोबाइल को रात भर चार्ज में रखकर मत सो, बैटरी खराब हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है, मत रखो। पति बोला तो चिंता जरा भी मत कर, मैंने चार्ज में लगा दिया है पर बैटरी अंदर नहीं रखी है, बैटरी बाहर। तू चिंता क्यों करती, मेरे को अक्ल नहीं है, मैंने बैटरी निकाल दी है फिर लगाया है, तो काय को लगाया प्यारे तूने? ऐसे ही जो चैनल वाले और निंदा करने वाले होते ना, अंदर श्रद्धा और भक्ति रूपी बैटरी नहीं है, बाकी सब कर रहे हैं दम पछाड़े। ये बैटरी रखना तो जरा चार्ज हो, तेरा दिमाग काम करे। बैटरी के बिना मोबाइल चार्ज में लगाने का मतलब क्या, काम भी नहीं करेगा ना। दूसरा एक आदमी बोला अपने दोस्तों को, मैंने कल एक दुकान वाले को उल्लू बनाया। कैसे? बोले मैंने उसको 100 रुपए दिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, बैलेंस 100 रुपए दिए। फिर क्या, मैंने उसको नंबर अपना नहीं दिया, किसी और का दे दिया, उसको उल्लू बना के आया हूं। क्या याद करेगा वो भी, अब उल्लू तू बन के आया है, उसको कहां बनाया, तू खुद ही बन गया। ऐसे ही निंदा करने वाले और बकवास करने वाले जो होते ना,
वो नुकसान तो अपना ही करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमने इनका नुकसान कर दिया, इनकी प्रतिष्ठा खत्म कर दी। नहीं नहीं नहीं, सूरज चांद सितारों को कोई नभ से गिरा न पाए, ऐसे ही बापू की प्रतिष्ठा कोई हिला ना पाए। तो गुरुदेव की जो महिमा है वो कौन, मैं पहले भी कहा करता था कि भगवान की प्रतिमा होती है और गुरु की प्रतिभा होती है। प्रतिमा को कोई तोड़ सकता है, गुरु की अब थोड़ी ताली नहीं बजाना, थोड़ा धीरे, आवाज गूंजता बहुत है ना, आज ज्यादा है ना संख्या। प्रतिमा को कोई तोड़ सकता है, भगवान की कई तोड़ देते हैं यवन लोगों ने, पहले तोड़ी है, पर गुरु की प्रतिभा को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुरु की प्रतिभा वो किसी व्यक्ति ने बनाई नहीं है, मूर्ति किसी ने बनाई है जयपुर में, पर गुरु की प्रतिभा किसी ने बनाई नहीं, वो गुरु की स्वयं की है, गुरु की खुद की गुरुता है, उसको कौन मिटा सकता है। जो गुरुदेव की प्रतिभा को मिटाने की कोशिश करता है ना, वो तो ऐसा है कि तलवार लेके मैं हवा को मार डालूं, मैं हवा को खत्म कर दूं, हवा को मिटा दूंगा मैं। तू मिट जाएगा, हवा को क्या मिटाएगा तू? हवा तो सबको ऑक्सीजन दे रही है, पवन तनय है, वो तो सबको ऑक्सीजन दे रही है। और पवन देव का पुत्र कौन है? बोले हनुमान जी है। ऐसे ही जो हमको हवा दे रहे हैं गुरु, हम बापू के वो बच्चे सब, हनुमान जी नहीं तो हनुमान जी के रास्ते पर चलने वाले जरूर हैं, उसको क्या कोई मिटा पाएगा, उसको क्या कोई खत्म कर पाएगा। इस ताली नहीं बजाना। तो गुरु चरणों में प्रेम नहीं, औरों में अनुराग, वो रतन खोई कौड़ी गहे उसके बड़े अभाग। तो इस द्वार पर आए हैं और गुरुदेव ने आज जो हमको मार्ग दिखाया, दोपहर को सत्संग दिया, अभी फिर देंगे, थोड़ी देर में आएंगे यहाँ। तो रामायण में लिखा है, तुलसी कृत रामायण में, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, श्रुति माना वेद ग्रंथ हमारे उपनिषद और साधु गुरुदेव, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेही पथ चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग वेद और गुरु दिखाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं तेही पथ चलत सबे सुख पावे। फिर आगे तुलसीदास जी ने बात दोहराई, थोड़े शब्द अलग कहके, जो तेही पंथ चले मन लाई, अगर उस रास्ते पर कोई मन लगा के चले, जो तेही पंथ ही सहाय, अगर मन लगाकर उस रास्ते चले तो ईश्वर उसको मदद क्यों नहीं करेंगे। ध्रुव को मदद की, प्रहलाद को मदद की,